गुड मॉर्निंग दीपिका एंड आदित्य ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। देख रहे हैं सुबह के 6:07:15 हो चुके हैं, देख सकते हैं फ्रेंड। वन आवर लेटर। हेलो फ्रेंड, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी तो मैं अपनी फैमिली से पूछी थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो मेरे फैमिली वालों ने भी इजाज़त दे दिया था कि बनाओ, लेकिन क्या बनाओगी तुम्हारे ऊपर है, तुम्ही को सब करना है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मम्मी मम्मी को बोली कि जो भी मैं हमेशा करती हूँ वही मैं डालूँगी, और कोई ये नहीं है कि मतलब बना के या बनावटी कुछ डालूँ। जो भी मतलब घर पे होगा, चाहे कुछ भी मैं कर रही हूँ, खाना बनाना या सिलाई कढ़ाई कुछ भी जो मैं करती हूँ रोज़, वही मैं आप लोगों दिखाऊंगी। तो मम्मी ने मेरी बोली कि क्या है, ठीक है बनाओ, लेकिन ये है कि तुमको ही परिश्रम करना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे फ्रेंड्स कर रही हूँ, अगर आप लोग का मतलब आशीर्वाद रहा तो मैं हो सकता है कि आगे बढ़ जाऊँ। तो घर पे ही मैं इतना कुछ कर रही हूँ, उसी में खाना बनाना, बच्चों को देखना, मम्मी लोग भी लगी रहती हैं, लेकिन तभी भी मैं बहू हूँ तो थोड़ा बहुत तो करना ही है, तो उसी में लगी रहती हूँ। उन लोगों का भी ध्यान देना अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आप लोग ऐसे ही मतलब प्यार देते रहिए, और मैं धीरे धीरे सबका मतलब अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। अभी से अच्छे से तो हो नहीं पाया, अभी तो आप लोगों को दिखाए थे हम, अभी अच्छे से हुआ नहीं, लेकिन आप लोगों को मेरे ब्लॉग हमेशा देखते रहिएगा। धीरे धीरे पापा को मम्मी को सबको लेके आऊँगी इस ब्लॉग में मेरे, और मेरे ब्लॉग को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फ्रेंड, जो गलत होगा मतलब आप लोग अगर कमेंट करना चाहेंगे तो कमेंट ही कर दीजिएगा, क्या करना है। लेकिन फ्रेंड, मेरा बहुत मतलब वो था कि मैं घर पर बैठ के कुछ कर, अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।